चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान द्वारा। निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? तीन। अगला है, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन द्वारा। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप तभी हटाया जा सकता है जब जांच की गई हो? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। अगला है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। अगला है, भारतीय लोक सेवक को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। अगला है, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? यह राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधि से संबंधित। अगला है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1906 में। अगला है, मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। अगला है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनकी उन जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो यह 52वां संविधान संशोधन। अगला है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में किया गया था? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की स्थिति लागू हो। अगला, उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अपीलीय परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। अगला है, दल विरोधी से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। याद रखिए, 10वीं अनुसूची है इससे संबंधित। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला है, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 को। अगला है, भारतीय संविधान के उपबंध के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्य नामित करते हैं, यह सदस्य किससे का प्रतिनिधित्व करते हैं? एंग्लो इंडियन समाज का। अगला है, संविधान सभा के सत्तावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। अगला है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए। अगला है, आवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है? 6 माह तक। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल का। अगला है, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निहित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में।
अगला है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो ये थे केटी साहिल। अगला है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो ये था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? बीवी गिरी। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नेहरू जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस स्थान पर किया गया? नागौर राजस्थान में। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? अनुच्छेद 17। अगला है, लोकसभा के 545 सदस्यों में से कितने सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं? 13 सदस्य। अगला है, 1947 में भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना के नाम से। अगला है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है? संविधान के कुल कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया विधि ऐसे धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए दोबारा पास कर दे। अगला है, न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को अधिकार है, यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। अगला है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। अगला है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला है, जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त था? तो राज्य के विधानमंडल को। अगला है, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की वर्तमान संख्या क्या है? 6। अगला है, विधानसभा के सत्तावसान की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद सभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक। अगला, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। अगला है, राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? खुला मतदान। अगला है, किस सदन का अध्यक्ष सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का। अगला है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह सकता। अगला है, एकमात्र कौन सा अधिकारी किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जेवी किपलानी। अगला है, 15 अगस्त 1947 को 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश के राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। अगला है, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? संविधान के हिंदी प्रारूप में भारत तथा अंग्रेजी प्रारूप में इंडिया। अगला है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। अगला, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। अगला है, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों से कौन सी समिति की सिफारिश संबंधित रही है? यह स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार की इच्छा शक्ति एवं पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। अगला है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित करने के संबंध में कौन निर्णय लेने के लिए अधिकृत है? संसद। अगला है, अपने पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? संसद को। अगला है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के। अगला है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक। अगला है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्य संख्या
सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है 552। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहाँ याद रखिए निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, केवल। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य। अगला है, प्राकलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं केवल लोकसभा से। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 14। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज है, तो ये 22 भाषाएं। अगला है, संविधान के 44वें संविधान संशोधन से किस मौलिक अधिकार को वापस ले लिया गया, तो ये संपत्ति के अधिकार को।